टाटा HBX या हॉर्नबिल जो कि हमारे 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई थी एंड तभी से ये हमारी बहुत चर्चा में रही है। लोग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एंड फाइनली दोस्तों बहुत सारे समय के बाद बहुत लंबा इसका इंतजार करने के बाद फाइनली ये जो हमारी टाटा की HBX है मतलब की हॉर्नबिल है ये हमारी अब लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने जो है दोस्तों इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इसका जो प्रोडक्शन रेडी वेरियंट है जिसकी टेस्टिंग भी बहुत समय से चल रही है उसके भी हमारे स्पाई शॉट सामने आ गए हैं जिसके चलते हुए इसका जो आउटर डिजाइन है एक्सटीरियर है वो भी साफ साफ दिख रहा है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमें टाटा हॉर्नबिल है इसके हमें लॉन्च डेट फीचर्स एक्सटीरियर इंटीरियर एंड इंजन ऑप्शन जो है ये सारी चीजें कवर की गई हैं। तो चलिए दोस्तों सीधा जो है हम गाड़ी के बारे में बात करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी ना इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप उसका जो है लुत्फ उठा सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है टाटा हॉर्नबिल के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारी टाटा की HBX है इसको जो है हॉर्नबिल इसका नाम रखा जाने वाला है एंड दोस्तों काफी टाइम इस गाड़ी को जो है टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है एंड जो हमारी कुछ नई इमेजेस सामने आई हैं जिसमें इसके जो एलॉय व्हील का डिजाइन है जो हमारा फ्रंट एंड रियर लुक है गाड़ी का वो हम जो है अच्छे से देख सकते हैं एंड जो इसका लाइटिंग सेटअप है उसे भी हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं तो जो फ्रंट लुक है वो हमारा हैरियर से ही इंस्पायर्ड लग रहा है। देखने में ये हमारी मिनी हैरियर लग रही है। यहाँ पे भी दोस्तों हमें जो है नीचे की तरफ मेन हेडलैम्प का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो कि बम्पर से थोड़ा सा ऊपर है एंड उसी के ऊपर हमें जो है DRL का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो कि हमारा ग्रिल में ही इंडिकेटर टाइप लगता है। एंड दोस्तों ये जो हमारा DRL का सेटअप है ये हमारा टर्न इंडिकेटर के तौर पर भी वर्क करता है। उसी के अलावा दोस्तों इसमें हमें जो है नीचे की साइड फॉग लैंप देखने के लिए मिल जाते हैं, वाइड ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है लोअर एंड पे और जो ग्रिल है उस पर हमें ट्राई कलर का डिजाइन जो है देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसके दोस्तों अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो चीज नोटिस करेंगे वो हमारे एलॉय व्हील्स करेंगे। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली नए डिजाइन के मशीन कट सिल्वर कलर या बोल सकते हैं ड्यूल कलर के जो है यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये जो एलॉय व्हील्स हैं हमारे 14 इंच के रहने वाले हैं। उसी के दोस्तों यहाँ पे हमें जो है बॉडी कलर ही ORVs देखने के लिए मिल जाते हैं एंड जो हमारे रियर डोर है उनका जो हमारा डोर हैंडल है वो हमें सी पिलर पे ही देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आपको स्विफ्ट में देखने के लिए मिलता था बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है रूफ रेल्स भी देखने के लिए मिल जाती हैं जो कि हमारे इस प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट में ब्लैक कलर में दिख रही हैं। वहीं पे दोस्तों इसका जो इंटीरियर है उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट नया डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आपको किसी भी और टाटा गाड़ी की झलक देखने के लिए नहीं मिलती है बट यहाँ पे जो स्टेयरिंग व्हील है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एल्ट्रोस जैसा या हैरियर जैसा ही देखने के लिए मिलने वाला है। सेम यूनिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे हमें जो है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल जाता है, हमारा फ्लैट बटन टाइप का स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है ना, स्टेयरिंग व्हील पे ही आपको जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MID कंट्रोल्स जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे हमें फ्लोटिंग टाइप का 7 इंच का HD करल डिस्प्ले या बोल सकते हैं इंफॉर्मेटिव सिस्टम जो है देखने के लिए मिलने वाला है एंड उसी के नीचे हमें जो है AC वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इस गाड़ी की रगिडनेस को बढ़ाने के लिए या इसको थोड़ा सा और स्पोर्टी बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी डैशबोर्ड में ही आपको जो है कंपास भी इंक्लूड करके देख रही है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, गाड़ी को जो है रिजल्ट लुक जो है प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जितने भी हमारे AC वेंट्स हैं दोस्तों उसके सराउंडिंग में आपको बॉडी कलर के ही क्लैडिंग देखने के लिए मिल जाएगी एंड वहीं पर दोस्तों जो इमेजेस हैं उनके द्वारा इसका जो हमारा इंटीरियर है उसका एग्जैक्ट आप जो है आइडिया लगा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर इसके इंजन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एल्ट्रोस एंड जो हमारे टियागो में मिलने वाला 1.2 लीटर का रेवोल्ट पेट्रोल इंजन है वो सेम यूनिट आपको जो है यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि दोस्तों 86 BHP और पावर जनरेट कर देता है एंड 140 न्यूटन मीटर ऑफ जो है टॉर्क जनरेट कर देता है। ट्रांसमिशन के मामले में यहाँ पे हमें जो है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों तरह के ही ट्रांसमिशन प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों गाड़ी के डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी बात की जाए तो यहाँ पे जो गाड़ी की हमारी लेंथ है वो 3840 mm रहने वाली है। हमारे विड्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो 1800
122 mm रहने वाली है। हाइट के बारे में बात करें तो 1635 mm रहने वाली है। व्हील के बारे में बात करें तो 2450 mm रहने वाला है। ये जो डायमेंशन है दोस्तों, ये कंपनी के साइड से अभी रिवील नहीं की गई है, ये हमारे एक्सपेक्टेड इसकी हमारी डायमेंशन है। जब इस गाड़ी को रिवील कर दिया जाएगा तभी हम जो है एग्जैक्टली आपको फिगर प्रोवाइड कर पाएंगे डायमेंशन से रिलेटेड। पर जो हमारे सोर्सेज के द्वारा या जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी की डायमेंशन ये रहने वाली है जो कि मैंने आपको बताई है, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वहीं पर दोस्तों की ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं तो मारुति की एक्सप्रेसो, हमारी होंडा की आने वाली माइक्रो एसयूवी जिसका नाम AX1 रखा गया है वो रहने वाली है। वहीं पे हमारी जो KUV100 है महिंद्रा की तरफ से आती है, वो भी इसके जो है डेड हमारे राइवल्स रहने वाले हैं। बाकी इसके राइवल्स के मुकाबले दोस्तों यहाँ पे गाड़ी का जो हमारा एक्सटीरियर लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी हमारा जो है अच्छा रहने वाला है, हेड टेंडर लुक है अगर इसे हम जो है इसके सेगमेंट के राइवल से कंपेयर करते हैं तो। अब जो है दोस्तों हम इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि गाड़ी का हमारा लॉन्च कब रहने वाला है, मीन्स कब हमारे इंडियन मार्केट में आने वाली है और इसका हमारा जो प्राइस क्या रह सकता है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है हमारी सितंबर मंथ तक जो है इंडियन मार्केट में रिवील कर दी जाएगी टाटा की तरफ से। एंड वहीं पे दोस्तों इसके अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जो उसका स्टार्टिंग प्राइस है वो हमारा 4.5 से 5 लाख के बीच में रहने वाला है। एंड वहीं पे जो उसका टॉप एंड वेरियंट है वो हमारे कहीं ना कहीं 6 से 7 लाख के बीच में रह सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्विक अपडेट, क्विक न्यूज हमारी टाटा हॉर्नबिल या टाटा HBX से रिलेटेड। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस गाड़ी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और गाड़ी या बाइक से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप जो है कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों, मैं था आपका हौसला दोस्त शाहरुख, आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।